फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक एंड वेलकम टू माई चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस टेस्ट से रिलेटेड, कि जो पर्सन है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो कोरोना पॉजिटिव है कोरोना निगेटिव, उसे कैसे करते हैं, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, और जो साइंटिस्ट है या रिसर्चर है वो इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस टेस्ट है वो मोस्टली डायग्नोज हो रहा है RT-PCR टेक्निक के थ्रू। ओके, RT-PCR टेक्निक। ओके, आप सबसे पहले बात करते हैं पीसीआर की। तो पीसीआर क्या है? इट्स अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, एंड इट हैज बीन डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय टेरी मॉलिस। ओके, डिस्कवर्ड बाय टेरी मॉलिस 1985। ओके, तो ये पीसीआर क्या है? इट इज अ टेक्निक बाय विच वी यूज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड देन फ्रॉम दैट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए वी कैन मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट डीएनए। ओके, दिस इज अ बेसिक लाइक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस पीसीआर टेक्निक। सो अब ये आरटी का मतलब क्या है? ओके, आरटी को हम लोग बोल सकते हैं एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और वी कैन से रियल टाइम। ओके, तो अब हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो डीएनए है, ओके, वो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। ओके, नॉर्मली, बट बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वी कैन कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए। ओके, दिस आरएनए व्हेन इट कन्वर्ट इनटू डीएनए बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो इट्स अ एंजाइम, तो बाय यूजिंग दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वी कैन कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर टेक्निक। दूसरा क्या है? रियल टाइम पीसीआर। तो रियल टाइम पीसीआर का मतलब क्या है? कि बाय यूजिंग दिस रियल टाइम पीसीआर टेक्निक वी कैन सी द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डीएनए। ओके, वी कैन सी द इंक्रीज और वी कैन मॉनिटर द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डीएनए बाय यूजिंग दिस टेक्निक। दैट्स इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस टेक्निक एज अ रियल टाइम पीसीआर आल्सो। ओके, देन तो इट्स अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पीसीआर, व्हाई वी कॉल रियल टाइम पीसीआर और RT-PCR। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सैंपल। ओके, तो फर्स्ट लाइक वी हैव टू कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर डायग्नोस्टिक। सो हाउ दिस सैंपल हैज बीन कलेक्टेड, लाइक हाउ द साइंटिस्ट और रिसर्चर आर कलेक्टिंग द सैंपल्स फ्रॉम द कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट। तो दे आर यूजिंग अ पॉलीमर स्वैब। ओके, इट्स अ पॉलीमर स्वैब एंड इट इज मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन। ओके, पॉलीप्रोपाइलीन, दिस पॉलीप्रोपाइलीन इज एन एलिकीन डेरिवेटिव। ओके, वॉट एवर द पॉलीमर दे आर यूजिंग फॉर कलेक्टिंग द सैंपल, इट इज पॉलीमर स्वैब एंड इट्स मेड ऑफ द पॉलीप्रोपाइलीन डेरिवेटिव। ओके, एंड दिस पॉलीप्रोपाइलीन इज एन एल्कीन डेरिवेटिव। ओके, नाउ वी विल सी दैट फ्रॉम वेयर दे these scientists or researchers, they are collecting the samples. So, they are using two types of swab. This is polymer swab. So, it has two types. First one is nasopharyngeal swab. And the other one is oropharyngeal swab. So, they are using two types of swab. First one is nasopharyngeal swab and the other one is oropharyngeal swab. So, this nasopharyngeal swab they are using for collecting sample from nasal secretion. Okay, nasal secretion.
and this oropharyngeal, they are collecting from throats. Okay, so scientists, they are using two types of swab. First one is nasopharyngeal swab and the other one is oropharyngeal swab. And this nasopharyngeal swab, they are putting in the nose, like inside the nose. Okay, and then from the nose they are collecting sample from the nasal secretion, because this virus mostly has a tendency to present in the nasal secretion, in nasal part, this nasopharyngeal part. वही दूसरी ओर देखिए तो ओरोफेरेंजियल स्वैब इट इज यूज फॉर कलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम द थ्रोट. ओके, तो मोस्टली दिस वायरस इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. ओके, तो देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ दिस वायरस टू बी प्रेजेंट ऑन द लाइक नेसल सिक्रेशन और इन द थ्रोट. दैट्स व्हाई दिस साइंटिस्ट दे आर कलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम दीज टू पार्ट ओनली. मोस्टली दे कैन ऑल्सो कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द ब्लड, बट देयर इज अ लेस टेंडेंसी, लाइक less tendency to of the virus to be present in the blood. That's why mostly 80-90% of sample they are collecting from the nasal secretion or from the throat. Okay, because there is a high tendency of presence of this virus in the nasal secretion and in the throat. Okay, then we will see about the virus, like coronavirus. Okay, so this is a general structure of coronavirus. This is a genetic material, that is RNA. It has positive sense, single stranded RNA. Okay, then this is a spike protein, which is spike protein. This protein then bind with the ACE2 receptor, and from this it can enter the human cell. Okay, and then it is also having the envelope protein. Envelope protein. Okay. So this is a basic structure of the coronavirus. So mostly this coronavirus, best when we sneeze or cough, then it is present in the droplets. Okay, and then this droplets enters to the other body, and then it causes infection. Okay, so now we will see the technique, okay, how this PCR techniques works and how can we detect that whether a person is corona infected or not. Okay, so normally, as we know that China already sequenced the genome of virus. Okay, तो चाइना ने क्या किया है, उसने सबसे पहले क्या किया, जो कोरोना वायरस है उसका जो जीनोम है वो ऑलरेडी सीक्वेंस कर लिया है. अब हम बात करते हैं कि टेक्निक है आरटीपीसीआर की, वो कैसे काम करती है. तो दोस्तों, मैं ये जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ आपको, ये एक बेसिक टेक्निक है. तो ये नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले भी हैं तो वो भी इसे इजीली समझ पाएं. तो मैं इस टेक्निक को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक जो बेसिक ओवरव्यू प्रिंसिपल है कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा. तो मैं अपने अगले वीडियो में जो आरटीपीसीआर की जो टेक्निक है वो डिटेल्स में बताऊंगा. ओके, तो मैं ये जनरल ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो जनरल ऑडियंस है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले भी हैं, वो क्या करें, वो भी इस वीडियो को के थ्रू समझ पाएं कि ये टेक्निक कैसे काम करती है और कैसे जो पता लगाया जा सकता है कि पर्सन जो है वो कौन इन्फेक्टेड है या कौन नॉन इन्फेक्टेड, यानी कौन पॉजिटिव है कौन नॉन पॉजिटिव है. तो सबसे पहले क्या हुआ कि चाइना के साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है इस वायरस का जो जीनोम है वो सीक्वेंस कर लिया है. तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जैसे कि डीएनए है. ओके, डीएनए में क्या होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन. अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन. तो आरएनए में क्या है, ये थाइमिन है ये रिप्लेस हो गया है यूरेसिल से. ओके, तो ये 4 जो है नाइट्रोजन बेसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं आरएनए में. ओके, तो हम बात करते हैं, सपोज आप इस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है. ओके, तो सबसे पहले हमें उस स्पेसिफिक वायरस का, यानी कि जो कोरोना वायरस है उसका स्पेसिफिक कुछ
ऑलमोस्ट 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चाहिए होगा, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को लेकर क्या कर रही है, बहुत सी कंपनीज है, ओके, वो क्या करती है, वो स्पेसिफिक पार्ट लेती है यार 15 टू 20 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस लेती है उस आरएनए का, और उसके अगेंस्ट क्या करते हैं वो लोग प्राइमर सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज उन्होंने 15 टू 20 न्यूक्लियोटाइड का, ये एक हाइपोथेटिकल मैं बता रहा हूं, ओके, सपोज ए जी सी यू ए जी सी यू, ओके, तो सपोज इट्स अ 15 टू 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ओके। अब क्या करती हैं जो कंपनीज होती हैं जो प्राइमर सिंथेसाइज करती हैं, वो क्या करती हैं इस स्पेसिफिक पार्ट को जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ आरएनए है इसके अगेंस्ट जो है प्राइमर डिजाइन करती हैं, ठीक है। अब जब भी कोई पर्सन है कोरोना इन्फेक्टेड है, अगर उसका टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो अगर ये जो आरएनए है कि सॉरी ये जो प्राइमर है अगर वो इसके इसको टारगेट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है जो सीडीएनए है वो मल्टीपल कॉपीज बनाने लगता है, और जिससे पता चलता है जो पर्सन वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, ओके। तो अगर वो जो प्राइमर्स है वो अगर इस सीक्वेंस को टारगेट करते हैं तब जो है सीडीएनए जो है वो एम्पलीफाई करेगा और वो बहुत सारी अपनी कॉपीज बना लेगा, जिससे पता चलेगा कि जो पेशेंट है वो कोरोना पॉजिटिव है, ओके। अब क्या होता है, अब सबसे पहले आप हम देख लेते हैं, सपोज ये क्या है, इट इज आरएनए, ओके, अब क्या होता है बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वी मेक सीडीएनए, ओके। तो जो आरएनए है वो सीडीएनए में कन्वर्ट हुआ, इसने किया कन्वर्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो दिस इज एन एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू सीडीएनए। नाउ व्हाट विल हैपन, सो नाउ देयर अदर फैक्टर्स आल्सो लाइक देयर विल बी अ डीएनटीपीज, देयर विल बी अ पॉलीमरेज, सो व्हाट दे डू, दे यूज दिस DNA as a template, okay? Template cDNA, template DNA, template cDNA, okay? Then what will they do? They will use this DNA as a template and then they will synthesize a copy of the same. Okay, now it will be double-stranded cDNA. Understood? Okay? So, सबसे पहले क्या होता है? आरएनए होता है, आरएनए को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सीडीएनए में बाय यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, देन दिस सीडीएनए विल एक्ट एज अ टेम्पलेट डीएनए, देन वेरियस डीएनटीपीज, नॉर्मली दीज आर फोर डीएनटीपीज, पॉलीमरेज एंड द प्राइमर इनिशिएट द रिएक्शन एंड देन इट विल सिंथेसाइज द अनदर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, दैट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ओके। तो दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, सो नाउ वी आर हैविंग दिस डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए, ओके। तो दिस इज अ बेसिक प्रोसेस अबाउट द आरटीपीसीआर, ओके। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, नाउ देयर इज अ डाई व्हिच वी कॉल्ड साइबर क्रीम, ओके, इट इज अ डाई साइबर क्रीम, तो इट इज अ फ्लोरोसेंस डाई, ओके, इट हैज अ टेंडेंसी टू एमिट फ्लोरोसेंस, ओके। तो नॉर्मली दिस डाई bind with the minor group of the double stranded DNA, okay, suppose it went and enter, it bind to this double stranded DNA, okay, then it will start fluorescence, okay, what will do then, this cyberbean, it bind to the minor group of the double stranded DNA and then it start emitting the fluorescence, okay. So this is a basic principle like how this RT-PCR works. Okay, now we will see now how can we detect that whether a person is corona positive or negative, okay. So this we will understand by using the two graphs, yeah, two case,
case 1 and case 2. Okay. Now, time, or we can say cycles. Here is the fluorescence. Okay, so suppose आप जो रिसर्चर ने क्या किया, किसी पर्सन का जो है वो इन्फेक्टेड है, उसका सैंपल लिया। अब सैंपल लेने के बाद क्या किया, उन्होंने आरएनए उसका लिया और आरएनए को कन्वर्ट किया सीडीएनए में। तो बाय यूजिंग द स्पेसिफिक प्राइमर्स उन्होंने क्या किया, उसका बहुत सी कॉपीज बनाया। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज अब अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अब अगर वो कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है, तब क्या होगा, जो जो टारगेट सीक्वेंस है, लाइक कि जो ऑलरेडी जो सीक्वेंस है आरएनए का जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इस वायरस में, अगर आपने जो प्राइमर यूज किया, अगर वो प्राइमर क्या होता है, वो स्पेसिफिक टारगेट कर रहा है उस आरएनए के सीक्वेंस को, तब क्या होगा, जो सीडीएनए है, ठीक है, वो एम्पलीफाई होना स्टार्ट करेगा और वो मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। ठीक है, अगर अगर वो मल्टीपल कॉपीज बना रहा है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ है वो इस वे में होगा। ठीक है, अब अगर उस प्राइमर ने उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को टारगेट किया है तो सीडीएनए क्या करेगा, वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। ठीक है, अब मल्टीपल कॉपीज बनाएगा तो क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा तो ये जो ग्राफ यानी कि जो लाइन है ये इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि इसका जो डीएनए वो कंटिन्यू इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन द फ्लोरेसेंस। ओके, देन इन दैट केस वी कैन से दैट अ पेशेंट इज कोरोना पॉजिटिव। ओके, अब सपोज अब क्या हुआ, अगर कि साइंटिस्ट ने मतलब कि जो भी अगर सैंपल या इन्फेक्टेड पर्सन का, अगर सपोज वो इन्फेक्टेड नहीं है तो क्या हुआ, उसके अंदर क्या होगा, जो स्पेसिफिक पार्ट जो सीक्वेंस का है वो तो है नहीं। अब क्या करेगा, जो प्राइमर है, जब उस पर्सन के अंदर स्पेसिफिक पार्ट ही नहीं है उस आरएनए का सीक्वेंस का, तो क्या करेगा, वो उससे बाइंड नहीं कर पाएगा, उसको वो टारगेट नहीं कर पाएगा। अब जब वो उसे टारगेट नहीं कर पाएगा तो उसका सीडीएनए जो है वो एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा और वो जो है मल्टीपल कॉपीज वो नहीं बना पाएगा। तब क्या होगा, जो उसका जो ग्राफ होगा वो इस वे में होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। ये क्या हो, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। ओके, अगर ये जो डीएनए जो भी एम्पलीफाई हो रहा, अगर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे रहता है या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहता है तो क्या होता है, जो पर्सन है वो कोरोना निगेटिव है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो सीडीएनए वो एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा है। एम्पलीफाई क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो उस आरएनए में प्रेजेंट है, ठीक है, उसे क्या कर रहा है, जो प्राइमर से वो टारगेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सीडीएनए है वो एम्पलीफाई नहीं हो पा रहा। अब जो सीडीएनए एम्पलीफाई नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब क्या है कि जो वो वायरस जो पर्सन है वो कोरोना निगेटिव है। तो क्या हो गया, वो कोरोना निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो सीडीएनए है वो एम्पलीफाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो पेशेंट है वो कोरोना निगेटिव है। तो ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन था कि कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर पर्सन इज कोरोना पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव। अब ये क्या डिपेंड करता है, जो फ्लोरेसेंस है, अगर सपोज जो डीएनए है, अब डीएनए जो है सपोज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डीएनए, ओके, इंक्रीज इंक्रीज in the amount of DNA is directly proportional to fluorescence. Okay, अब
जो फ्लोसेंस का इंटेंसिटी है वो क्या करेगा, वो हाई कब होगा, जब जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा। ओके, जैसे ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, लाइक 1, 2, लाइक दैट। ओके, तो जितना ज्यादा सी डीएनए जो एम्पलीफाई करता जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जो फ्लोसेंस की जो इंटेंसिटी है वो भी हाई होती जाएगी। तो फ्लोसेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डीएनए। अब क्या होता है, जितना साइकिल्स होता है, सपोज इस कुछ जीन को अगर हम लोग एम्पलीफाई करते हैं तो उसका साइकिल अलग होता है। तो दिस इज ओनली फॉर हाइपोथेटिकल। ओके, सपोज इसका साइकिल हमने 32 रखा है तो क्या होगा, 10 साइकिल्स के बाद क्या होगा, सपोज वो क्या करेगा, सी डीएनए वो एम्पलीफाई करना स्टार्ट कर देगा और वो धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सी कॉपीज बनाने लगेगा। तो 10 साइकिल के बाद एम्पलीफाई करना स्टार्ट हुआ, 15, 20, 25, 30, 32 तक क्या किया, उसने मैक्सिमम जितना है उतना कॉपीज जो है अपना सी डीएनए का वो बना लिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेसिक प्रोसेस है कि कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो पेशेंट है वो कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना निगेटिव है। तो मैं आपको एक बार और ब्रीफ बता दूं। सबसे पहले क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के बाद चाहे वो नेजल सिक्रेशन से ले या थ्रोट से ले सकते हैं, और बहुत रेयर केस में जो पीपल हैं लाइक साइंटिस्ट है वो ब्लड का सैंपल भी लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसे एक यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट मीडिया में डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ये रियल टाइम जो टेस्ट है वो कंडक्ट होता है। अब पता लगाने के लिए कि क्या वेदर द पर्सन इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना पॉजिटिव कोरोना निगेटिव, दे आइसोलेट द आरएनए एंड देन दिस आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू सीडीएनए बाय यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड देन दिस एंजाइम कन्वर्ट आरएनए टू सीडीएनए, एंड देन विद द हेल्प ऑफ डीएनटीपीज पॉलीमरेज एंड द प्राइमर दे सिंथेसाइज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, देन इट इज कॉल्ड डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए। After that, what they do? Then they see whether they use cyberglin iodine which emit fluorescence. So if the person is having that RNA sequence, okay, if that particular sequence of RNA, then this primer target that specific sequence of RNA, and then it will synthesize more and more copies of cDNA. Then we call it corona positive. Okay, like here, continuously they are increasing the amount of DNA. Because of that, the intensity of fluorescence is also increased. Because of that, we can say that this person is infected with coronavirus and it is corona positive. And in second case, if that person don't have that specific part of sequence, and then the primers is not been able to target that specific part, because of that, that cDNA will not amplify and it will remain in the threshold value or below threshold value. In that case, we can say that the patient is corona negative. Okay, so ये मेरा वीडियो था PCR के ऊपर, रियल टाइम PCR के ऊपर, कि कैसे जो है वो कोरोना वायरस जो है उसका टेस्ट किया जाता है और कैसे क्या हो पता लगता है कि whether a person वो इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से या कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। ओके, तो यहीं पर मेरा जो वीडियो है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।